हे फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने पुराने से इस रूम से कर रहा हूँ। और आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि रूम कितना खास है हम सभी के लिए। बाकी मैं आया था क्योंकि यहीं पे खाना बन रहा अभी हमारा, तो दो दिन में ये भी रूम खाली हो जाएगा और दो दिन में हम भी चले जाएंगे घर पे। और यहाँ पे बड़ी माँ को मैं लेकर आया कि बड़ी माँ देखो, यहीं पे हमारी गुड़िया हुई थी इसी रूम में। अच्छा, हाँ, यही हमारा रूम था। तो बहुत ही यादगार है ये रूम हमारे लिए। नोना है, कन्नू है यहाँ पे, और एज यूजुअल निशा भी है, मीना दीदी है यहाँ पे। मीना दीदी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग। और ये देखिए, यह एज यूजुअल आते ही काम पे अपने लग चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले से इसी घर में रहते थे और अभी भी इसी घर में रह रहे हैं, घर गए नहीं है बिहार, ऐसा फील हो रहा है। बट अभी ये भी काम कर रही है क्योंकि कुछ बानो दीदी का कुछ प्लेट वगैरह था, तो वो सब भी अब हम चाह रहे हैं कि भाई दे दे के सब कुछ हटा दिया जाए। तो अभी यहाँ पे ही खाना बनेगा। खाना क्या बनेगा वो तो कुछ खास है, आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि क्या है आज के डिनर में हमारा, क्योंकि बनाऊंगा मैं खुद। तो गाइज, फाइनली मैंने आपको बताया था कि डिनर में कुछ खास बनने वाला, तो खास क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज बनने वाला है चिकन कड़ी, और वो भी मेरे हाथ का। बहुत दिनों बाद मैं चिकन कड़ी भी बना रहा हूँ। राशिद को बहुत अच्छा लगता था मेरे हाथ का चिकन कड़ी, और इस भाई साहब को भी बहुत अच्छा लगता था। और खाद में बताऊँ कि भाई चिकन कड़ी बनाने के बाद हम लोग जाएंगे टिकट के लिए प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म कह रहे स्टेशन पे जाएंगे, क्योंकि तत्काल के लिए वहाँ पे नंबर लगती है। तो आज सोच रहे कि जब यहाँ पर पास में स्टेशन है तो क्यों नहीं जाके, अगर सही नंबर पे लग गया तब तो गाइस कंफर्म है। और अभी सबके लिए मुझे ही डिनर बनाना है, तो डिनर बनाएंगे, नाश्ता कर मतलब डिनर बनाएंगे, थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे और फिर देखते हैं बाकी वो लोग कब आएंगे ये तो पता है नहीं। और ऐसे भी आज एक कांड हो गया, वो आपको आगे मतलब जब मैं खाना खा के उस घर पे जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या कांड हुआ है गाइस, भयानक वाला कांड हुआ हम लोगों से। एनीवे, आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में और नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गाइज, अचानक कल ब्लॉग ना शूट करके मुझे आज फिर सुबह शूट करना पड़ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है। और इतने सारे कल कांड हुए ना, कल का दिन बहुत बहुत निहायत ही बहुत घटिया था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले क्या हुआ कि बाबू ऐसे बेड पे मतलब बैठे बैठे वो गिरी, तो फ़ोन पे जाके इसका सर टकरा गया, तो थोड़ा सा वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, बट चलो कुछ हुआ नहीं था, ठीक थी बाबू। उसके बाद गाइज, तनु जो है वो पुराने वाले घर पे साफ सफाई कर रही थी तो सीढ़ी से गिर गई, उसके पूरे बैकबोन में चोट लग गई, बहुत खतरनाक, जानते गए सीढ़ी से गिरने के बाद कितना भयानक चोट लगता है। तो ये दूसरा था ब्रेकिंग न्यूज़। तीसरा जो था वो और भी इससे निहायत ही घटिया हुआ काम, वो क्या हुआ कि घर पे पता है गाइस, मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, चल नहीं पा रहा वो भी मैं पहले बताता हूँ क्या रीज़न है। चलो मैं पहले चौथा बता देता हूँ, उसके बाद तीसरा बताऊँगा। कल क्या हुआ, खाना खाने के बाद मैं इनको आ रहा था बुलाने के लिए यहाँ पर, दौड़ते दौड़ते आते आते मैं गेट के बाहर ही गिरा, और ऐसे गिरा ना गाइस कि मेरा पूरा जो मतलब क्या बोलते हैं बाबू, अंगूठा, जो लेफ़्ट लेग का जो अंगूठा है ना, वो पूरी तरह से मतलब उसका नाखून टूट गया आधा, और पूरा एकदम स्वेलिंग हो गया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे, पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नाखून में जो चोट लगती है तो दर्द कितना होता है। और ऊपर से और कोई था नहीं, और बाबू को भी संभालना ज़रूरी था, तो अब इस घर से उस घर से मैं किसी को कुछ बताया नहीं, मैं चुपचाप उसी में खाना बना रहा था किसी तरह, और खा कर गया। तो खा कर गया, पांचवा अब मैं बता रहा हूँ बैड जो हमारे साथ का मतलब बैड न्यूज़ जो हमारे साथ हुआ था, कि स्टेशन पर गए रात में तो पता चला कि अगर एक दो तक अगर रहता है तो गाइस कंफर्म टिकट मिल जाता है, लेकिन हमारा जो मतलब जो लाइन में थे हम लोग पाँचवें नंबर पे थे, और पाँचवें नंबर पे गाइस पॉसिबल ही ना नहीं था कि कहीं से भी हमें टिकट कन्फर्म मिलता। तो फिर वहाँ से रिटर्न बैक 1 बजे रात में घर पर आए, और जो आपको बताना था अभी भी मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बट आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। इतनी खतरनाक ट्रेजडी हुई है, क्या बताऊँ मैं, मतलब पूरा आदमी परेशान हो गया। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप, सचिन भाई ने बोला था कि जीजू थोड़ा फ़ोटो फ्रेम अच्छे से लगवा दीजिएगा, तो मैंने बोला कि ठीक है, हालांकि कारपेंटर आया था तो मैं सोचा कि चलो भाई लगवा दो, और बाथरूम वगैरह का भी काम था तो कुछ कुछ बताकर चले गए। अब हुआ ये कि गाइस यहाँ पे ना पाइप गई हुई है किचन में, ऊपर वाले किचन में, अब वो ड्रिल किया ना तो भाई साहब उस पाइप में जाके लग गई, और पाइप में हो गया सुराग, अब वहाँ से पानी पूरा इस घर में आने लगा। अब मैं घर पे अकेले दौड़ कर जाके पूरा टंकी सारा को, जो ऊपर से पानी का सप्लाई ही नहीं चाहिए, सब बंद कर दिया, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा पानी का सप्लाई से किधर किधर है, समझ में नहीं आ रहा था, सब मैंने बंद कर दिया।
तब इस घर पे पानी नहीं आ रही थी, मतलब ये शाम की घटना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सारा काम वहाँ उस घर पे जाके सारा काम कर रहे थे, क्योंकि अब पानी यहाँ पे बंद हो गया था। तो बहुत ज़्यादा बहुत 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 बुरा रहा दिन, बता नहीं सकते। और अभी भी मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और टिकट मतलब इतना कोशिश कर रहा हूँ घर जाने का गाइस, क्योंकि वहाँ पे स्कूल वगैरह है तो फिर जाना बहुत ज़रूरी है। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा है, बट करे तो क्या करे कि टिकट ही नहीं मिल रही है। एक बार टिकट किया तो 23 वेटिंग आ गया, और 3 टायर में 23 वेटिंग आ गया, तो गाइस समझ सकते हैं कि वो टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, वो घुसने नहीं देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, प्रयास जारी है हमारा। बाकी अभी देखिए यहाँ पे हमारी तितली को, तितली को दिखदार दुल्हन बना दीजिए। तो ये देखिए, वाह वाह। और ये हमारी नीतू दीदी की बेटी है, प्यारी सी पूर्वा। दिल्ली से मिलने आई है। अच्छा, दिल्ली से मिलने आई है, खास स्पेशल। हाँ, तो ये देखिए तितली, जरा जरा इसको जरा चुनरी लगाओ, जरा चुनरी दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को। हाँ, तो जरा इसको दुल्हन बना दो बेटी आपको हमारी। ए बेटू, पापा का बेटू तितली सोना। तो देखिए, ओए 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 ओए। और गाइस इसको पता है, इसका तीसरा दांत भी निकल रहा है ना। अब इसके 3 दांत हो गए हैं धीरे धीरे, मतलब तो ऊपर एक, नीचे दो, ऊपर एक, ऊपर एक। इतनी छोटी है ये हमारी गुड़िया, और इसका दांत पे दांत आ जा रहा है, बड़ी होती जा रही है दिन पे दिन, और उतनी शैतान होती जा रही है, उतनी शैतानी होती जा रही है ना बेटू। वही देखो, वही देखो, वही देखो। तो देखिए गाइस कब आते हैं वो लोग, उनका भी वेट करते हैं। बाकी अभी जो मेरा पाँव दर्द कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत सारे सॉल्यूशन लोग कह रहे हैं कि तेल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई कुछ हिम्मत नहीं हो रही है। और ये बाबू में ही परेशान है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बट चलिए एनीवे आप लोग बने रहेंगे। तो गाइस अभी मैंने आशीष को बुलाया, और ये क्या कर रहा है मतलब उसमें ऑयल लगा दिया पाँव में, और ठंडा पानी रखा हुआ इस बॉटल में, और उसे सटा सटा के कह रहा है कि इससे थोड़ा सा दर्द रिलीफ होगा, ये आइस क्यूब का काम करेगा। बट देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन है, धीरे 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 इतना ज़्यादा पेन है ना गाइस, बता नहीं सकता। और लग रहा कि कैसे सही होगा पाँव, क्योंकि इसी में गाइस घर जाना है। और आज हम लोग फिर से जाएंगे स्टेशन पे, और कल तो गए थे तो पता है गाइस पहले से ही लोग लाइन में लगे हुए, तो आज हमें शाम में ही जाना होगा और अपना नंबर लगाना होगा कि भाई टिकट मिल जाए घर जाने के लिए। तो बस यही है, और इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड गाइस, क्योंकि थोड़ा सा सोऊंगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। शाम में मिलेंगे एक अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। आप लोग तब तक खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, तो जाइए उसे भी खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे शाम में एक अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।